हेलो बच्चों, आज हम लोग गॉस लॉ स्टडी करने वाले हैं। लास्ट दो क्लास तीन क्लास में जो सबसे पहला क्लास था उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में देखे थे। जो हमारा सेकंड क्लास था और सेकंड क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेक्चर नंबर टू था, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो पार्ट में था। और जो दूसरा पार्ट था उसके लास्ट तक हमने गॉस लॉ को प्रूव कर लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी भी क्लोज सिस्टम से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, यानी कि किसी भी बॉडी के इनसाइड में कितना चार्ज है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तब उस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो नो गॉस लॉ को अगर स्टेटमेंट के रूप में हम लोग को लिखना है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है गॉस लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप जितना भी ना भी स्टार मार्किंग लगा सकते हैं, ये कम है। ठीक है, ये चीज। तो गॉस लॉ कहता क्या है? तो गॉस लॉ स्टेट दैट, यानी गॉस लॉ का ये कहना है कि दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना है अगर इसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तब ये निकल जाता है क्या, फ्लक्स निकल जाता है जो कि इस सरफेस से पास करेगा। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और परमिटिविटी का लेक्चर ऑलरेडी पहले हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्स है। अब अगर एग्जांपल यहाँ पर एक देखेंगे, ये चीज, ये एक सरफेस है। ठीक है, क्लोज सरफेस है सरफेस, और इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, कितना फ्री लाइन पास कर रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइव इक्वल टू इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज है, ये बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं, अंदर वाला चार्ज कितना हो जाएगा, q1 plus q2 minus q3 plus q4 by epsilon naught। तो यहां से हम लोग क्या निकालिए, फ्लक्स निकालिए। तो गॉस लॉ का यूज करके हम लोग फ्लक्स कहीं भी निकाल सकते हैं। अब ये जो गॉस लॉ है इसका यूज इन जनरली किया क्यों जाता है, तो पहला है कि सर फ्लक्स निकालने के लिए, तो क्या फ्लक्स निकालने के बाद कुछ और निकाल पाएंगे, तो आंसर होगा हाँ। जो गॉस लॉ का इन जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यूज किया जाता है, फॉर सिमेट्रिक, जो भी सिमेट्रिक सरफेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा इसका यूज किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि हम लिख सकते हैं दिस लॉ इज यूज टू find the electric field intensity through symmetric closed surface. ठीक है, बस इतना कि ये लॉ यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए इस लॉ का हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज द गॉस लॉ। अगर देखिए ये क्वेश्चन जब गॉस लॉ पूछेगा सिर्फ इतना ही पूछेगा तो दो मार्क्स में पूछेगा, उससे ज्यादा में नहीं पूछेगा। अगर फाइव मार्क्स में गॉस लॉ पूछता है तो पूछेगा कि गॉस लॉ होता क्या है और इसका फॉर्मल प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, विदाउट प्रूफ ये फाइव मार्क्स नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रूफ, कि गॉस लॉ कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोग यहाँ पर ये चीजें लाए थे वो भी प्रूफ ही है गॉस लॉ का, उसको भी मेंशन कर सकते हैं, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मल प्रूफ यहाँ पर इसके नीचे देखेंगे। उस प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड एंगल के कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर जानेंगे, कि व्हाट इज सॉलिड एंगल एंड व्हाट इज द प्लेन एंगल। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल इसको हम लोग इस तरीका से नोट करते हैं। सॉलिड एंगल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, पहले प्लेन एंगल पर नजर डालते हैं।
प्लेट एंगल, आप सभी प्लेट एंगल के बारे में पढ़े होंगे, इसको हम लोग थीटा से नोट करते हैं। देखिए जितना सारा एंगल है जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, पाई बाय 4 रेडियन हुआ, पाई बाय 2 रेडियन हुआ, ये सभी के सभी प्लेन एंगल है। और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है ये आपका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, ठीक है, इसको हम लोग rad लिखते हैं। और निकालते कैसे, सपोज दैट ये आपके पास एक त्रिज्यीय खंड है, इसको बोलते हैं, ठीक है, या आर्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में देखते हैं क्या बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। अब ये आर्क यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, इसके सेंटर पे, इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, ये। तो अगर मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाता है और ये रेडियस आर है और इसका लेंथ एल है, तो आप क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है। तरीका क्या है, ये लाइन है, दिस इज द लाइन, और ये लाइन इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दोनों एंड से एक लाइन खींचते हैं इस तरीका से, ठीक है। और खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये आपका रेडियस आर हो गया, ये भी रेडियस आर हो गया, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर। एक और हम लोग देखते हैं, चलिए सीखते हैं, अगर मान लो आपके पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन, अब ये लाइन इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा, ये वाला पॉइंट, तो हम लोग क्या करते हैं, तरीका क्या है, लाइन के दोनों एंड से हम लोग हाइपोथेटिकल एक लाइन ऐसे खींच देंगे मिला, ठीक है। अब वो देखिए यहाँ पर चूंकि आर्क था और ये इसका सेंटर ही था, तो ये दोनों आर आर आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो करते क्या है, इसको सेंटर मान के एक सेक्शन हम लोग ऐसे कट कर देते हैं आर रेडियस का, किसी भी रेडियस का, ऐसे अपने मन से ऐसे करेंगे, ये रेडियस हमको पता है, इसको हम लोग माप लेंगे, मान लेते हैं एल आ गया और ये एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल बाय आर हो जाएगा। तो दिस इज द प्लेन एंगल, ये हमारा क्या है, प्लेन एंगल, ठीक है। अब सॉलिड एंगल को समझते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, अच्छा जो ओम होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी जो सॉलिड एंगल है इसको भी ओम से ही डिनोट किया है, ठीक है, सॉलिड एंगल को भी ओम से ही डिनोट किया है। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है, तो ये जो प्लेन एंगल है ये लाइन के बनाता है, कोई भी लाइन क्या करता है, प्लेन एंगल बनाता है। उसी प्रकार से कोई भी अगर सरफेस रहेगा तो ये हमेशा क्या करता है, सॉलिड एंगल बनाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, इसको थोड़ा समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, ये सरफेस है, जैसे कि ये कॉपी हमारे पास, ये एक सरफेस है ऐसे, ये सरफेस इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो तरीका क्या है एंगल निकालने का, जैसे कि लाइन के केस में आप क्या करते थे कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और ये लाइन इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, तो आप दोनों एंड से एक लाइन मिला देते हैं। अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है और कितना एंगल बना रहा है, कहां पर, इस पॉइंट पर, अब यहां पर देखिए इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसके ये साइड, इस सभी साइड से सपोज दैट एक लकीर ऐसे करके खींचते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर ऐसे करके, मतलब ये क्या बनेगा, ये इस टाइप के बन जाएगा, ठीक है, यहां से भी, इस लाइन से भी, चारों साइड से क्या करेंगे, इसका लोग खींच देंगे, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कैसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। तो यहां पर इसके बीच में, अब मान लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, इसके बीच में जो ऐसे बनाएगा ना, ऐसे करके ऐसे बनाएगा, इसके बीच में जो इस तरह का पोर्शन होगा, ये वाला गोला टाइप से ऐसा बनाएगा, यही क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल, दिस इज द सॉलिड एंगल, यही क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। तो आप लोग समझ रहे, सॉलिड एंगल इस तरीका से हम लोग निकालते हैं, और ये समझ रहे सॉलिड एंगल। अब निकालेंगे कैसे, तो यहां पर आप क्या करते थे, एक ऐसे करके कट करते थे तो लकीर मिलता था, लेकिन अगर जब ऐसे करके आप लोग कट करेंगे तो उधर बना कर आपको दिखा रहे हैं ये, ठीक है, ये ऐसे करके पूरा फैला हुआ,
ये चीज, अगर आप इसको कट करेंगे ऐसे करके, ये ऐसे कट करेंगे तो क्या है, एक सरफेस आएगा इसके अंदर, एक पेज लेकर आपको एक मिनट, हम पेज एक ले रहे हैं, ये देखिए जैसे कि ये कोन है, ठीक है, इस तरीके से ये कोन है, ये पूजा खाने वाला, ठीक है, ये चीज ऐसा है ना, ये वाला जो सरफेस अगर होता हमारे पास, सपोज दैट यही सरफेस था, इसके चारों साइड से क्या हुआ है, इस तरीके से ये मिला हुआ है ना, ये चारों साइड से देखिए कॉपी बना हुआ है, तो यहाँ से अगर हम ऐसे कट करेंगे इसको, तो कट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कट करेंगे तो इतना दूर का, ये मान लेते हैं ये इतना दूर का, ये वाला इतना दूर का, यहाँ से अगर कट करेंगे तो इतना दूर का सरफेस एरिया कट हुआ, लेकिन किस कंडीशन में कट करेंगे तो लेंथ कट होता था, लेकिन सॉल्व लेंथ में जब सरफेस के किस में कट करेंगे, ऐसे करके मान लीजिए 8 इंच का लेके ऐसे करके कट कर देते हैं, तो ये स्फीयर बनेगा, स्फेरिकल कट, तो ये वाला कुछ एरिया यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से 8 रेडियस का लेकर इसको कट करते हैं, कट करेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे जितना रेडियस का लेंगे उतना दूर कट करके यहाँ पर एरिया बनाएगा, ऐसे करके कट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, एरिया कट करेगा, और एरिया का मतलब हम लोग डीएस मान लेते हैं, छोटा सा एरिया, यहाँ पर लेंथ था, यहाँ पर एरिया, ठीक है, और ये रेडियस कितना है, ये रेडियस आपका हो गया आर, तब जो सॉलिड एंगल यहाँ पर बनाएगा सेम प्लेन एंगल के फॉर्मेट में, ये क्या होता था, लेंथ बाय आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया बाय आर स्क्वायर, दिस इज द सॉलिड एंगल सस्टेंडेड बाय एनी सरफेस, इस सरफेस एट पॉइंट ओ, ठीक है, सॉलिड एंगल सस्टेंडेड बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉलिड एंगल सस्टेंडेड बाय द सरफेस, दिस सरफेस एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पर ये सरफेस कितना सॉलिड एंगल कर रहा है, डीएस बाय आर स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, देखिए यही सॉलिड एंगल की समझ है, इसका यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट एस्टे रेडियन होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, एस्टे रेडियन, इसका सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, एस्टे रेडियन होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको सॉलिड एंगल है, तो होप कि जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉलिड एंगल में, चलिए हटाते हैं, तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया बाय आर स्क्वायर, कितना एरिया कट करता है बाय आर स्क्वायर, इसकी तो सॉलिड एंगल नॉ, यहां पे देखिए, ठीक है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ओपन सरफेस, अब सरफेस तो दो तरह का होगा, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड, तो ओपन सरफेस के द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया जाता है इसी पॉइंट पर, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं, समझिए यहां पर कि हमारे पास एक बड़ा सा ओपन सरफेस है, ये खुला हुआ सरफेस है, ये चीज, बनाइए बनाइए, इसे ऐसे भी लटके देना दोनों साइड,
ये आपका क्या है? सरफेस इंटीग्रल। और ये सरफेस हर जगह क्या करेगा? सॉलिड एंगल बनाएगा। आपसे पूछा गया ये सरफेस यहां पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, ये पूछा गया। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, इसमें से आप एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर करेंगे। तरीका समझ को ये करता है कि आप क्या करें, ये जो सरफेस है इसके चारों साइड से इस पर लकीर ऐसे खींच लें, फिर ये लेके कट करें। लेकिन क्या ये ऑन पेपर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन यहां से कट कर देते हैं, स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन। और इसका वैल्यू एरिया कितना है? ds। और ये कितना डिस्टेंस पे है? r पोजीशन वेक्टर पे। ठीक है, तो इसके द्वारा कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? ds पे r पर। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ये टोटल सॉलिड एंगल मिल जाएगा इसके द्वारा, इस पूरे के पूरे ओपन सरफेस के द्वारा यहां पर बनाएंगे, ये द सॉलिड एंगल। ओपन सरफेस यहाँ पे S लिख देंगे, सरफेस ये हमारा क्या बनता है, सॉलिड एंगल बनाता है। ये तरीका है आपको सिर्फ ओपन सरफेस से सॉलिड एंगल निकालने का। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, फिर हम क्लोज सरफेस से बताते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब जैसे ही क्लोज सरफेस आया, तो क्लोज सरफेस के कंडीशन में पॉइंट की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम यहां पर एक क्लोज सरफेस हो सकती है, सरफेस है क्लोज है, बंद सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। कोई पर्सन पूछ सकता है ये क्लोज सरफेस इसके इनसाइड इस पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनता है? ध्यान देंगे ये सरफेस है लाइन, और कोई पूछ सकता है कि आउटसाइड पॉइंट पे कितना बना, ये दो चीज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आउटसाइड, पहला केस क्लोजिंग केस में आउटसाइड पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बना है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, ओ पॉइंट पर, ठीक है ना, तो ये चीज। अब इस पॉइंट पर जब पूछा जा रहा है तो आपके पास तरीका क्या है निकालने का? सर एक एलिमेंटल पोर्शन आप कंसिडर कीजिए, कहीं भी एक एलिमेंटल पोर्शन यहां कंसिडर कर लिया, और एक एलिमेंटल पोर्शन सर यहां कंसिडर कर लिया, दो एलिमेंटल पोर्शन कंसिडर। इसका एरिया मान लेते हैं सर ds1, इसका मान लेते हैं ds2। ये यहां पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? आप देख सकते हैं कि ये r1 डिस्टेंस है, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा। ये r1 है, और यहां से यहां का क्या हो जाएगा? r2। ठीक है, ये जो सरफेस, हाँ एक चीज और, यहां पर देखिए ये इंटर कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है? लीव कर रहा है इस सरफेस। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एक और लाइन खींचेंगे, और यहां भी पेरिमीटर पोर्शन मान लेंगे, और यहां भी मान लेंगे। देखिए जिस तरीके से हम लोग फ्लक्स प्रूफ किए थे ना, डी एस थ्री, और यहाँ पे क्या हो गया? डी एस फोर। ये आर थ्री डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा? आर फोर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए, हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एरिया, अगर इसे कोई देखेगा इधर आएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डी एस वन, और यहां पर देखेगा तो ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा डी एस टू आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? इधर आएगा डी एस फोर आएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और यहाँ पे इधर है तो बेसिकली ऐसे, ठीक है, डी एस टू आ जाएगा। और ये क्या है? आर है, ये आर। एक चीज जो अभी हम आपको बताए थे, ठीक है, ओपन सरफेस में से जस्ट पहले वहां पर एक चीज जो है छूट गया था, ठीक है, करना आप लोगों को बताना, तो हम जल्दीबाजी में बता दिया आप लोगों को
तो ये करना यहाँ पर क्या, फिर से एक बार थोड़ा पिछले वाले में है ना, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा एक बार कर लीजिएगा मॉडिफाई, कुछ निकालना नहीं है, चेंज नहीं करना है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे निकालना है, ये हम एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर किए हैं, ये आपका तो r वेक्टर हो गया जो कि हम दिखाए थे, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, ds इधर है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये अगर इसके बीच के अंदर थीटा आ गया, ds और इसके बीच के अंदर क्या आ गया, थीटा आ गया, ये आप मेंशन कर लेंगे कि ds थीटा आ गया। तो हम लोग जो सॉलिड एंगल निकालते हैं इसमें क्या करते हैं, ds cos थीटा लेते हैं, यानी कि एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट लेते हैं परपेंडिकुलर वाला, मतलब r वेक्टर के रिएक्शन ds cos थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हम लोग करते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको ये कर देंगे, सही कर देंगे वहां जाकर इसे पहले वाले में, ठीक है। अब यहां पर समझिए, इसको हटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, पहले वाले में जाकर नोट कीजिए, इसे पहले जो नोट करवाए हैं ये चीज। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसको, इसको हटाते हैं ये बात को, नोट कीजिए इसको, ये हाँ समझिए। यहाँ पर इसके बीच का एंगल यहाँ पर थीटा वन है, यहाँ पर क्या है थीटा टू है, यहाँ पर क्या है थीटा थ्री है, और यहाँ पर क्या है थीटा फोर। जो देखिए जो इनकमिंग जो जा रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाले यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, यह आ जाएगा डी एस वन कॉस थीटा वन बाय आर वन स्क्वायर। और आप देखेंगे तो यहाँ पर थीटा वन क्या है 90 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग ये थीटा ये मोड टू अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, समझ रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बना है इस पॉइंट पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो अंदर जा रहा है, दैट इज हम लोग ये कह सकते हैं जो सॉलिड एंगल है इनके वजह से वो है नेगेटिव, और जो आउट के वजह से है वो क्या है पॉजिटिव। तो अगर तो सॉलिड एंगल की टोटल की वजह से निकालना है, टोटल की वजह से कितना होगा, क्या जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जीरो होने की, हाँ। तो अगर आप इंटायरली पूरे के पूरे सरफेस पर अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको, या फिर यहाँ और यहाँ के, तब क्या होगा कि इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस दोनों मिलकर सॉलिड एंगल जीरो कर देगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पर जो सॉलिड एंगल नेट सॉलिड एंगल बनाएगा एट आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू क्लोज सरफेस विल बी जीरो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो ये क्लोज सरफेस अपने आउटसाइड पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो आंसर होगा जीरो। कोई भी क्लोज एंगल अपने आउटसाइड पॉइंट पर हमेशा जीरो एंगल बनाता है, ठीक है। अब सेकेंड जो यहाँ पर सवाल हो सकता है ये है कि इनसाइड पॉइंट पे कितना बनाएगा, मान लीजिए आउटसाइड पॉइंट है इस सरफेस की वजह से, अब पॉइंट अगर अंदर में कहीं पर हो जाए तो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीरो की पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर आप लोग फ्लक्स वाला देखे होंगे, ठीक है, फ्लक्स का लेक्चर देखे होंगे सेकंड वाला फ्लक्स का, तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि अगर हम लोग अंदर की में रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या जीरो हो सकता है नहीं हो सकता, कर लेते हैं हम लोग इसको हटा रहे हैं, ठीक है। इनसाइड पॉइंट और इसको जल्दी हम लोग करेंगे, समझिए। फिर से वही क्लोज सरफेस है हमारे पास, ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट पर निकालना है, ओ पॉइंट पर जो कि इसके इनसाइड है, तो क्या करेंगे, सेम तरीका है हमारे पास, ठीक है, वही तरीका है कि सर यहां से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, यहां पर एलिमेंटल पोर्शन ले और यहां पर ले, तो यहां पर एरिया इधर होगा ds1, और मान लेते हैं ये r1 डिस्टेंस ये इधर है, यहां पे एरिया किधर होगा ds2 परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और यहां पे क्या हो जाएगा r2 के एरिया वेक्टर से बना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पहला लेक्चर था वहां पे एरिया वेक्टर के बारे में डिटेल से समझाते थे, बीच में अगर ब्रेक करेंगे तो नहीं आएगा समझ में। अब यहां पर एंगल देखिए और यहां पर एंगल देखिए, थीटा 1
और ये थीटा 2, दोनों जगह एंगल 90 से छोटा है, मतलब यहाँ यहाँ भी क्या होगा पॉजिटिव एंगल, यहाँ भी पॉजिटिव एंगल। अगर आप लोग ऐसे देखेंगे यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव चारों साइड पॉजिटिव, तो हर जगह जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल वो तो पॉजिटिव ही बन रहा है, तो यहाँ पर जीरो की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब जीरो जो है वो नहीं हो सकता है सॉलिड एंगल। तो होगा कितना सॉलिड एंगल ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से आर रेडियस का एक स्क्वायर खींचते हैं, ठीक है। देखिए इस स्क्वायर के द्वारा हाइपोथेटिकल स्क्वायर के द्वारा जितना एंगल यहां पर बनता है उतना ही इसके द्वारा भी बनेगा, ठीक है। इसी के द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं, मान लेते हैं आर रेडियस का यहाँ पे एक एलिमेंटल पोर्शन ले लीजिए इसका वैल्यू डी एस है, और चूंकि स्क्वायर है तो आर भी इधर होगा और डी एस भी इधर होगा, तो इसकी वजह से वो पॉइंट पर डीएस की वजह से कितना हो जाएगा डीएस कॉस जीरो दोनों का है बाय आर स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल सॉलिड एंगल मिल जाएगा, ठीक है। चौदह टोटल सॉलिड एंगल मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए डीएस डीएस क्या है, डीएस इसका एरिया है, आप इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं, इसका मतलब है इसका टोटल एरिया सरफेस एरिया, तो किसी स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल यानी कि 4 पाई, तो सॉलिड एंगल कितना आ गया, देयरफॉर सॉलिड एंगल कितना आ गया 4 पाई। अब आप समझेंगे 4 पाई स्ट्रेट लाइन कोई भी क्लोज सरफेस अपने इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता है, दैट इज द कंक्लूजन, और ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आउटसाइड पे जीरो बनाएगा और इनसाइड पे कितना बनाएगा 4 पाई बनाएगा, लेकिन वही अगर प्लेन एंगल के केस में जाते हैं तो ये 2 पाई एंगल बनाएगा, तो दैट इज अ सॉलिड एंगल कांसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। ये आपका सॉलिड एंगल कंप्लीट हो गया, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।